भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयप्रकाश नड्डा लोकसभा चुनाव के तहत इंदौर क्लस्टर की बैठक लेने इंदौर पहुंचे। वहीं क्लस्टर में इंदौर के साथ साथ धार, खंडवा, खरगोन, रतलाम की लोकसभा सीटों को शामिल किया गया है। वहीं क्लस्टर की बैठक में कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय भी पहुंचे। इसी दौरान नड्डा लोकसभा प्रभारियों से उनके क्षेत्र में किए गए संगठनात्मक कार्यों का फीडबैक भी लेंगे। वहीं बैठक में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, तुलसी सिलावट सहित अन्य मंत्री भी शामिल रहे। बैठक को लेकर मध्य प्रदेश शासन के वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि जेपी नड्डा के दौरे से सभी भाजपा के लोगों में ऊर्जा का संचार होगा और न केवल इंदौर क्लस्टर बल्कि मध्य प्रदेश की सभी 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने में कामयाब होगी। वहीं छिंदवाड़ा को लेकर भी कैलाश विजयवर्गीय ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि इस बार छिंदवाड़ा सीट पर भाजपा 5 लाख से ज्यादा वोट से जीतने जा रही है। ये चुनाव प्रबंध समिति की बैठक है और कोर कमेटी की बैठक है। इसमें हर लोकसभा के जो चुनाव प्रबंधन समिति है वो सब है। अभी तक की जानकारी लेंगे कि चुनाव की क्या क्या तैयारी हुई और भविष्य में क्या क्या करना, इस संबंध में मार्गदर्शन देंगे। क्योंकि हमारे यहाँ ये बात सही है कि संगठन एक महत्वपूर्ण होता है और इसलिए राष्ट्रीय अध्यक्ष इन सब संगठन के कार्यकर्ताओं की बैठक ले रहे हैं जो कि चुनाव की प्रबंधन में जवाबदार कार्यकर्ता है। छिंदवाड़ा सीट को लेकर क्या कहेंगे इसमें? छिंदवाड़ा जीतेंगे हम, 200% जीतेंगे और छिंदवाड़ा में मेरा टारगेट 5 लाख का है, 5 लाख से ऊपर से जीतेंगे। कमलनाथ जी तो कह रहे हैं कि इसमें मध्य प्रदेश में 12 सीट आ सकती है। कमलनाथ जी अपनी सीट बचा लेंगे तो बहुत अच्छा होगा। सर नड्डा जी कितनी सीटों पर बातचीत करेंगे? इंदौर संभाग की, खरगोन, खंडवा, धार, झाबुआ, इंदौर।